चिली चिकन वो आ चुका है, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है उससे और हम ये जरूर खाने वाले हैं। पर उससे पहले We will sanitize our hands. So we have dry chili chicken as our starters and we are going to taste it and I will tell you how it actually is. The chicken is tender and juicy. If you want something as a starter, you can take dry chili chicken. It's highly recommended from my side. एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब नूडल्स जो है कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा नूडल्स है,
नूडल्स में मॉइस्चर रिटेन होना बहुत जरूरी है, अगर नूडल्स में मॉइस्चर नहीं रहा तो वो नूडल्स ड्राई रखता है और खाने में अच्छा बदबू नहीं लगता। तो चलिए खा के देखते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत दिलकश, बहुत टेस्टी है। मैंने कभी टुक टुक तवा से नूडल्स नहीं खाए थे इससे पहले, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। So guys, now I'm going to taste my favorite tandoori chicken. So let's dig in. It's one of the best tandoori chicken I've ever tried. As you can see, it's very tender, very juicy. They have also provided the mint chutney. I will just dig into it and I will try it once again. Lovely, lovely. तो दोस्तों मैं अभी जो ट्राई कर रहा हूँ वो है बटर चिकन। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि मुझे मिला है चिकन लेग। तो बहुत ही टेस्टी है और मैं इसे खाने वाला हूँ बटर नन के साथ। तो मैं थोड़ा सा निवादा तोड़ता हूँ, इसे ग्रेवी में डालता हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा है। इसका मसाला जो है बहुत ही इवनली मिक्स हुआ है और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू ट्राई इज दिस, दैट इज लहसुनी चिकन टिक्का। आई कैन फील द सटल टेस्ट ऑफ बर्न्ड गार्लिक ओवर हियर। It's not at all dominating. The chicken is tender, which makes it really tasty. It's worth trying. So, if you are here in Tuk Tuk Tawa, once again, it's my recommendation. Do try this lahsuni chicken. I really liked it, and it's amazing. फ्रेंड्स, मैं जो नेक्स्ट ट्राई करने वाला हूँ, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि इसे खाऊं, और वो है चिकन टिक्का। चिकन टिक्का मुझे बहुत पसंद है और चिकन टिक्का जो है वो जितना सॉफ्ट रहेगा उतना अच्छा रहता है। तो देखते हैं इसका कितना सॉफ्ट है ये चिकन। चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए कितने आसानी से ये टूट गया। तो ये प्रूव करता है कि ये चिकन कितना सॉफ्ट है और वेल मैरिनेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, ये वेल मैरिनेटेड है। तो टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज, बहुत ही दिलकश। मुझे बहुत पसंद आई है चिकन टिक्का और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। मुझे एक्चुअली में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। और ये इसमें स्पाइसेस इवनली मिक्स्ड है, तो थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा टैंगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। So guys, actually Tuk Tuk Tawa is famous for its kebabs and tikkas. So they are really proving it. They are worth it, isn't it? They are proving the name. The prices are given below. So check it out and they are really reasonable and worth the. और हम तो ये कहेंगे कि बिल्कुल इधर पे आओ और टेस्ट करो। आपका जो लोकेशन है, I mean Tuk Tuk Tawa का जो लोकेशन है, that will be provided in the description box of the Google Maps, so you can check that out. They also give delivery on Zomato and Swiggy, no? Yes. So guys, my next item is going to be this Malai Tikka. I'm going to try this for the first time, so let's check it out. It's actually creamy. I can feel the flavor of crushed dried fruits such as cashew nuts and almonds. It's creamy. तो दोस्तों पहाड़ मुझे बहुत पसंद है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी लेने वाला हूँ पहाड़ी चिकन। अब मुझे ये नहीं पता कि पहाड़ के साथ पहाड़ी चिकन का कोई रिश्ता है या नहीं, पर मुझे पहाड़ी चिकन देख के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इट्स वेरी ग्रीन इन कलर। हाँ देखिए कितना ग्रीनिश कलर का है ये और बहुत ही खूबसूरत है। सो लेट्स हैव अ बाइट ऑफ इट। एक चीज़ मैंने नोटिस किया अभी, हर एक कबाब जो हम लोग ट्राई करें वो यूनिकली डिफरेंट है इसका टेस्ट। ये मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में नहीं देखा, क्योंकि जब आप कबाब ट्राई करते हो तो आप भी चाहोगे कि मैं अगर अलग अलग कबाब ट्राई करता हूँ तो उसका टेस्ट यूनिकली डिफरेंट हो। ये मैंने इधर पे टुक टुक तवा पे देखा है कि हर एक कबाब बिल्कुल ही अलग टेस्ट का है और अलग स्वाद का है और इनका जो खुशबू है वो बिल्कुल अलग है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया।
this is what we told just few moments back, that they have a huge variety. So if you are a kebab lover, so you can come, you should visit this place actually. The paneer is fresh. They have added black pepper that makes it more flavorful. Actually, what happens in most of the restaurant is we find the paneer to be very bland, but this is actually very flavorful. I forgot to try it with the green chutney. It will go well with the green chutney. I really like it. So if you are vegetarian, you should come and try this paneer tikka. और बिल्कुल मैं इसे बहुत दिनों से जानता हूँ, इसको वेज बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर ये इसको रिकमेंड कर रही है तो सोच लो आप कितना टेस्टी हो सकता है। Now we have the special chicken tikka roll. This is the speciality of Tuk Tuk Tawa. I'm very excited for this. She's burping, okay? But even I am full, but I can't go without having this. ये मैं जरूर ट्राई करूँगा। This is looking very very tempting. Yeah. और बहुत ही स्टफ्ड है, ऐसा स्टफ्ड रोल्स मैंने पहले कभी नहीं देखा, फुल्ली स्टफ्ड रोल है ये, और इसका प्राइस है 160 रुपीज़, और ये आई डोंट थिंक वन पर्सन कैन हैव दिस, इट्स ह्यूज। सो दिस रोल इज एक्चुअली वन रोल ऑफ 160 रुपीज़ ईच, एंड इट इज फुल्ली स्टफ्ड विद चिकन। आई विल शो यू द स्टफिंग, फुल्ली, लेट्स सी हाउ गुड इट इज। या वी हैव मिस्ड चिकन, and there is garlic and onions. बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत थिन है। बहुत सारे जगह पे, in many places we can see that the paratha is very hard, very thick. So I don't like those types of parathas actually. Yeah. This is thin. इधर पे ये पराठा बिल्कुल ही, ये पराठा बिल्कुल ही इवनली थिन है, और कच्चा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी देखा जाता है कि कभी कभी रोल पे पराठा कच्चा निकलता है, बिल्कुल नहीं है, ये वेल कुक्ड है, और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। अगेन आई एम, दिस इज़ वन ऑफ द न्यू फूड दैट आई ट्राइड ओवर हियर, एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड। सो गाइज, जो अगला डिश मैं ट्राई कर रहा हूँ है दाल मखनी बटर नान के साथ, तो देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसका टेस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा, और सच पूछो तो मुझे दाल मखनी मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, पर इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये दाल बहुत ही मतलब अच्छे से बना है, और बटर नान तो सॉफ्ट है ही, तो इन ऑल मुझे बहुत पसंद आई। ओके, नाउ आई हैव दिस लच्छा पराठा विथ मी एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस आउट।
You can see how soft it is, though it has been served to us long before. So I'm going to try this out with paneer vajra dali. Have you heard the name before? I haven't heard of it. So this sounds really very interesting. So let's try. How is it? Just what I told, that I don't like vegetarian foods outside my home. But this is for the first time I'm enjoying paneer up to this extent. They have really cooked it well. They have given veggies. I can see there's capsicum and there's carrot. Well cooked, perfectly garnished. Once again, even though if you are a non-vegetarian, you should try this out. It is really unique and it's very good in taste. तो जब ये बोल रही है तो मैं भी थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी पनीर वजी दली नहीं खाया है. तो मैं फिर से थोड़ा सा नया वाला. यो सही में बहुत ही टेस्टी है, और इसमें मुझे टमाटर का एक फ्लेवर लग रहा है, एक है और कैप्सिकम भी है. तो बहुत ही एक यूनिक टेस्ट बन रहा है इसका, बिल्कुल अलग. जो मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि इनका जो हर एक खाना जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही उनका टेस्ट अलग है, यूनिक है, और इसीलिए टुकटुक तवा का इतना नाम है इतने सालों से. तो आप लोग बिल्कुल ये सारे फूड जो हम लोग आज ट्राई किए, आप लोग भी ट्राई करना और हमें ज़रूर बताना कि कैसा लगा. तो दोस्तों, मेरा आखिरी आइटम जो है आज मैं खाने वाला, वैसे भी बहुत खा चुका हूँ मैं, इतना खाने के बाद इंसान एक ही चीज़ कर सकता है, वो है सोना, जो मुझे बहुत पसंद भी है. तो जो भी है, अभी मैं जो खाने वाला हूँ उसका नाम है अफगानी चिकन. ये मुझे बहुत पसंद है और मैं ये खाता रहता हूँ, और जब भी मैं टुकटुक तवा में आता हूँ इसको ऑर्डर जरूर देता हूँ. तो आज This dish is from Afghanistan actually. This was invented in Afghanistan. And what makes it different from actual Afghani chicken is, in India we add more spices and make it totally different from the actual Afghani chicken. Yeah, that's pretty obvious. We all love spices. Yeah, I mean, India means spices, so it is very obvious that they will add more spices to it. So dekhte hain iska spice kaisa hai. Bahut hi tasty hai guys. इसका क्रीम जो है बहुत ही इवनली मिक्स किया हुआ है, और इतना अच्छे से इसको इसका जो मीट है इसमें इतने अच्छे से इसको एब्जॉर्ब किया है कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है. सो मेरे तरफ से ये मेरा बिल्कुल इनफैक्ट टुकटुक तवा का जो हर एक कबाब है उनका क्वांटिटी और पोर्शन बहुत ही अच्छा है. ऑल द कबाब्स आर वेरी वेल ग्रिल्ड. They have a very good, they give a very good portion, the quantity, ये सब points इन कबाबों को बहुत ही लजीज बनाता है. So please आइए इधर पे और try कीजिए, हम तो यही कहेंगे. I think you also have the same point of view. Yes. So, yeah. Yeah. Along with Swiggy and Zomato, Tuktuk Tawa takes orders through their WhatsApp numbers as well. The numbers are given in the description box. तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था. हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नया वीडियो, एक नया फूड रिव्यू के साथ. इफ यू एंजॉय द वीडियो देन डू लाइक कमेंट एंड शेयर इट, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. यू कैन फॉलो अस बोथ ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट. बाय. So guys, in the chicken tikka roll, I can see the well-minced chicken. This is really fulfilling. They have got onions, well-cooked. पहले खा लेता हूँ, फिर बोलता हूँ मैं. बहुत ही टेस्टी चिकन है भैया. आप
ओके गाइस, जो मैं नेक्स्ट ट्राई करने वाला, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू.